अनुष्का सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 और बड़ी खास खबरों का। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने आज कृषि आंदोलन की घोषणा की है, जिसके चलते पूरे पंजाब में आंदोलन किया जाएगा। उनका कहना है कि फसल अवशेष जलाने पर दर्ज की गई FIR का वे विरोध कर रहे हैं। ये आंदोलन किसानों के हितों की रक्षा के लिए किया जा रहा है, ताकि फसल अवशेष जलाने को लेकर उन पर कानूनन कार्यवाही ना हो। किसान आंदोलन इन समस्याओं के समाधान के लिए आवाज उठाएगा और अपने अधिकारों के लिए राह सुनिश्चित करेगा। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल सातवें अंतर सरकारी परामर्श के लिए आज भारत यात्रा पर रहेंगे। आपको बता दें कि चांसलर स्कोल सातवें अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता करेंगे। वहीं IGC परामर्श के लिए चांसलर स्कोल के साथ उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री भी होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक इस बार मथुरा स्थित गौ ग्राम परखम के दीनदयाल उपाध्याय गौ विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र में आज आयोजित हो रही है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर व जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि आज IIT जोधपुर के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके साथ ही लाइब्रेरी का उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज करेंगे टर्मिनल 1 की शुरुआत। आपको बता दें कि जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं इसके बाद 27 अक्टूबर अल सुबह से ही एयरपोर्ट पर फ्लाइट का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में डाना चक्रवात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चक्रवाती तूफान डाना के कारण दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, बांकुड़ा, हुगली, हावड़ा और कोलकाता जिलों में आज भी सभी स्कूल बंद रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। वहीं इस दौरान रायपुर दुर्ग IG अमरीश सुरक्षा की कमान संभालेंगे, साथ ही 1000 से अधिक जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू दौरे के दौरान आधा दर्जन से अधिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उत्तराखंड में आज से राष्ट्रीय खेलों के कैंप लगने शुरू हो जाएंगे। ये जानकारी उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश नेगी ने दी है। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश नेगी ने कहा कि इस बार राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन की बेहद अच्छी तैयारी है। भारत सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ से हरी झंडी मिलने के बाद उत्तराखंड ओलंपिक संघ अपनी पूरी तैयारी में जुट गया था। सीतामढ़ी ICDS में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आज अप्लाई कर सकते हैं। ये अवसर उन उम्मीदवारों के लिए है जो रोजगार के इच्छुक हैं। जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के तहत विभिन्न पदों पर अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आज आयोजित किया जाएगा। झारखंड में आज से मौसम का मिजाज बदल सकता है। राज्य के कई जिलों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं बारिश के साथ ही तेज हवाओं के चलने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1934 में आज के दिन महात्मा गांधी के संरक्षण में अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ की स्थापना हुई थी। साल 1934 में ही आज के दिन मेघालय के 9वें मुख्यमंत्री JD रंबई का जन्म हुआ था। साल 1947 में आज के दिन राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने पर सहमत हुए थे। साल 2000 में आज के दिन प्रमुख क्रांतिकारी तथा लेखक मन्मथ नाथ गुप्त का निधन हुआ था। साल 2001 में आज के दिन जापान ने भारत और पाकिस्तान के खिलाफ लगे प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा की थी। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।